एसएस वैलेंसिया। दोस्तों, साल 1906 में एसएस वैलेंसिया नाम का एक पैसेंजर जहाज को वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर एक हार्ट ब्रेकिंग दुर्घटना का सामना करना पड़ा। वैलेंसिया के पैसेंजर और क्रू को रेस्क्यू करने के बावजूद 108 लोगों में से मात्र 37 लोग ही बच पाए। एसएस वैलेंसिया के डूबने के दौरान कुछ लाइफ बोट्स बेवजह गायब हो गई। वहीं एसएस वैलेंसिया के डूबने की खबर तब से लोगों के बीच भूतिया कहानियों के रूप में फेमस हो गई। कुछ वर्षों में मछुआरों और सेलर्स ने गोस्ट शिप को देखे जाने का वर्णन किया और कुछ ने तो इंसानी कंकाल को भी जहाज के ऊपर देखने का दावा किया। वेल, ये डरावनी खबरें दशकों से जारी हैं, जो इस दुखद घटना को और अधिक रहस्यमयी बना रही हैं। एसएस वैलेंसिया की घटना ने गवर्नमेंट को जहाजों और उस पर सवार यात्रियों की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लेने पर मजबूर किया, जैसे कि लाइट हाउसेस की स्थापना, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना। खैर, इस तरह एसएस वैलेंसिया ट्रेजेडी ने दुनिया भर में समुद्री यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया। एमवी जॉयटा। दोस्तों, अक्टूबर 1955 में गायब हुआ एमवी जॉयटा लगातार समुद्री उत्साही लोगों को हैरान करते आ रहा है। ये समुद्र के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक हैं। इस अमरीकी व्यापारी जहाज को बिना किसी यात्री और क्रू मेंबर्स के एक बहाव में पाया गया था, जिससे उन लोगों के मन में तुरंत कई सवाल खड़े होने लगे जिन्होंने उसे ढूंढा था। इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि मदद लेने के बजाय क्रू मेंबर्स ने जहाज को छोड़ा क्यों। हालांकि अभी तक इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया। वेल, एमवी जॉयटा का अपना ही एक इतिहास है। जी हाँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में कुछ मॉडिफिकेशन और सेवा का काम कर रहा था। बहरहाल, इसके गायब होने से जुड़ी सभी चीजों को खोजने के प्रयासों के बावजूद ये एक पहेली में उलझी रही। काफी जांच पड़ताल करने के बाद भी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स के नामों निशान नहीं मिले। वर्षों से पायरेसी से लेकर धोखे तक कई थ्योरीज और कहानियां सामने आई, लेकिन सच्चाई का पता अभी भी नहीं चल पाया और सवाल अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। 19th सेंचुरी शिपरेक। साल 2019 में जब नेशनल ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक्सिको की खाड़ी में अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग प्लान किया, तब शायद उन्हें नहीं पता था कि इस टेस्टिंग के दौरान उन्हें समुन्दर की गहराई में क्या सरप्राइज मिलने वाला है। उनका अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ और उन्हें वो सरप्राइज मिल गया जिससे वे अनजान थे। जी हाँ, एक्सप्लोरेशन के दौरान उन्हें 19वीं सदी के जहाज का मलबा मिला जो उनकी सोच से परे था। इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी के बाद नेशनल ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने टेस्टिंग से अपना पूरा ध्यान हटाकर इस हिस्टोरिक रेक यानी मलबे की जांच करने में लगाया। टेलीप्रेजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने जल्द ही पूरे देश भर से मरीन आर्कियोलॉजिस्ट को जांच करने के लिए बुलाया। सारी चीजें लाइव दिखाई जा रही थी। जहाज का मलबा करीब 100 फीट की गहराई में पड़ा हुआ था और काफी दूरी में फैला हुआ था, जो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वास्तव में जहाज कितना विशाल था। HMS रिजोल्यूट। दोस्तों, साल 1854 में ब्रिटिश रॉयल क्रू क्रूजर HMS रिजोल्यूट कैनेडियन आर्कटिक में बैफिन आइलैंड के तट पर बहाव में एबंडेंट पाया गया। सर जॉन फ्रैंकलिन के खोए हुए एक्सपीडिशन की खोज में भेजा गया ये जहाज एक दुर्घटना का शिकार हो गया। जी हाँ, जहाज बर्फ में फंस गया और इसके क्रू मेंबर्स द्वारा इसे छोड़ दिया गया। साल 1855 में जहाज की डिस्कवरी ने उन लोगों को हैरान कर दिया जिन्होंने इसकी खोज की थी। हालांकि इसकी कहानी
यहीं खत्म नहीं होती। इसके टिम्बर्स यानी कि जहाज पर लगे लकड़ी का इस्तेमाल रिजोल्यूट के डेस्क बनाने के लिए किया गया था। इस आइकॉनिक फर्नीचर के टुकड़े 19वीं सदी के ओवल ऑफिस में हैं। खैर, जहाज की लकड़ी से उकेरा गया रिजोल्यूट का डेस्क यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के बीच दोस्ती का प्रतीक है। एसएस महेनो। अगले जहाज की कहानी की ओर बढ़े तो साल 1905 और 1935 में एसएस महेनो न्यूजीलैंड में गौरवशाली समुद्री जहाज तैनात था, जो करीब 5000 टन वजनी था। इसमें करीब 420 पैसेंजर्स आते थे। वहीं इसकी स्पीड भी काफी तेज थी। जी हां, इसकी टॉप स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके अलावा मॉडर्न सुविधाओं के साथ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी इसमें शामिल थे। एसएस महेनो अपने समय में लक्जरी ट्रैवल का स्टैंडर्ड सेट करता था। जब साल 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ा, तब एसएस महेनो मिलिट्री सर्विस के कामों में लग गया। इसे 8 वार्ड्स और 2 ऑपरेटिंग थिएटर्स के साथ हॉस्पिटल शिप में बदल दिया गया। इसने गैलीपोली कैंपेन के दौरान मेडिकल एड प्रोवाइड कराने में अहम भूमिका निभाया। खैर, युद्ध समाप्त होने के बाद एसएस महेनो को दोबारा से कमर्शियल ऑपरेशन के लिए छोड़ दिया गया। 1935 में अपने रिटायरमेंट तक ये न्यूजीलैंड वाटर्स में चलता रहा। एक जापानीज ब्रेकर्स यार्ड को बेचने के बाद इसकी फाइनल जर्नी एक टो शिप के साथ हुई। दरअसल यात्रा के दौरान एसएस महेनो समुद्री चक्रवात यानी कि साइक्लोन में फंस गया और अपने टो शिप से अलग हो गया। साइक्लोन में जहाज ने अपना कंट्रोल खो दिया और असहाय अवस्था में विशाल समुद्र में इधर उधर पानी की बहाव के साथ बहता रहा। 3 दिन बाद ये ऑस्ट्रेलिया में फ्रेजर आइलैंड के तट पर पाया गया। हालांकि इसे खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा और ये समुद्र तट पर ही पड़ा रहा। समय के साथ ये पूरी तरह जर्जर हो गया और धीरे धीरे खराब हो गया। एसएस कोटोपाक्सी। दोस्तों, साल 1925 में रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ 2503 फीट लंबा एसएस कोटोपाक्सी के बारे में कई खबरें और कहानियां फैली हुई हैं। कई लोग तो इसे बारमूडा ट्रायंगल के साथ भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि 95 वर्षों के मिथ्स और सिनेमैटिक पोर्ट्रेल्स के बाद इसमें अलौकिक शक्ति का इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। खैर, आखिरकार जहाज के पीछे की असली सच्चाई का खुलासा हुआ। 32 क्रू मेंबर्स वाला कोयला ले जाने वाला ये जहाज अपने रूटीन वॉयज के दौरान गायब हो गया। हालांकि शुरुआत में माना जाता था कि ये पहले डूबा और बाद में सेंट ऑगस्टीन फ्लोरिडा के नजदीक किनारे पर बह गया। मरीन बायोलॉजिस्ट बार्नेट ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो एक अलग सच्चाई का खुलासा हुआ। 93 साल के बाद बार्नेट और उनके डाइविंग पार्टनर ने एसएस कोटोपैक्सी के मलबे को सेंट ऑगस्टीन फ्लोरिडा के किनारे से करीब 35 मील दूर खोजा। कहानियों के विपरीत जहाज गोई डेजर्ट में नहीं पाया गया था, जबकि फ्लोरिडा के तट से दूर पाया गया था। कोयलों के पुराने टुकड़ों की रिकवरी और जहाज निर्माण के अनुभवी से बातचीत करने के बाद बार्नेट ने जहाज की पहचान की। आगे कुछ एनालिसिस के बाद ये खुलासा हुआ कि बारम्यूडा ट्रायंगल के बजाय भारी तूफान के कारण एसएस कोटोपैक्सी का अंत सेंट ऑगस्टीन के तट से 20 मील दूर हो गया था। आखिरकार इस जहाज में जिसके परिवार के लोग थे, उन्हें भी उनके गायब होने की सच्चाई का पता चल गया। एसएस बेकिमो। दोस्तों, एसएस बेकिमो एक कार्गो स्टीमर था जो स्वीडन से गया और इसका निर्माण साल 1914 में हुआ था। इसकी जर्नी काफी फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस है। जबकि साल 1931 में अलास्का के आइसी वाटर्स को पार करते हुए जहाज को बर्फ में फंसने का सामना करना पड़ा। क्रू मेंबर्स स्थिति की सुधार होने तक
बर्फ को खाली कर दिए। हालांकि इससे भी कुछ अलग होने वाला था। बेकीमो बहकर चला गया और आखिरकार अपने ओरिजिनल पोजीशन से 116 किलोमीटर दूर पाया गया। हालांकि जहाज को कब्जे में किया गया, लेकिन उसे वापस से इस्तेमाल में लाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया और एक बार फिर इसे अबंडंड कर दिया गया। खैर, इस जहाज के बारे में कई बातें कही गई और लोग इसके रास्ते से जाने के लिए बचते हैं, एक तरह से उस रास्ते को भूतिया मानते हैं और उस रास्ते पर नहीं जाते। साल 1962 में उसी जगह पर एक घटना और हुई जिसमें जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिसके बाद से इसे लेकर भूतिया कहानी और अधिक फैलने लगी। एसएस ओरेगन। दोस्तों, एसएस ओरेगन की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक बार इसे अटलांटिक महासागर में सबसे तेज ओशन लाइनर के रूप में छोड़ा गया। इस जहाज के पास स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों ही थी। हालांकि दुखद घटना तब हुई जब ये दूसरे जहाज के साथ जाकर टकरा गया, जिसका पहचान एक रहस्य बना हुआ है। टकराव के बाद कैप्टन और क्रू मेंबर्स को मृत्यु जैसी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी जहाज में घुसने लगा था। स्थिति को संभालने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उनकी कोशिश काम नहीं आ रही थी। इसलिए कैप्टन ने जहाज को छोड़ने का एक मुश्किल फैसला लिया। फॉर्चुनेटली उनके बचाव के लिए एक दूसरा जहाज आया और कैप्टन सहित सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को बचा लिया गया, जबकि एसएस ओरेगन का अंत समुद्र की गहराई में जाकर हुआ, जहां पर जहाज डूबा। उस साइट को एक पॉपुलर डाइव साइट के रूप में जाना जाने लगा। डाइवर्स यानी गोताखोर समुद्र की गहराई में जाकर इसके बड़े बड़े कंपोनेंट्स को देखते हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जहाज का इंजन आज भी इसके होने और इसके दुखद अंत की गवाही देता है। एसएस ओरेगन उनके लिए काम करता जो इसके ऊपर सवार होकर आते जाते थे। म्यांमार कोस्ट घोस्ट शिप्स। इस वीडियो में आगे बढ़े तो म्यांमार के यांगोन क्षेत्र के तट पर मिले भूतिया जहाज के रहस्यों को लोकल ऑथोरिटीज द्वारा सुलझा लिया गया है। म्यांमार ऑफिशियल्स और नेवी पर्सनल द्वारा इन्वेस्टिगेट करने के बाद सैम रैटुलैंगी पीबी 1600 जहाज की दुखद घटना के पीछे की सच्चाई सामने आई। इसका खुलासा कुछ इस तरह हुआ कि मौसम के चलते खराब हो चुके और छोड़े गए इस बड़े कंटेनर जहाज को एक टग बोट द्वारा खींच कर लेकर जाया जा रहा था। हालांकि खराब मौसम के चलते यात्रा के दौरान क्रू मेंबर्स को जहाज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं बीच पर जमींदोज होने की वजह से ऑथोरिटीज और नेवी पर्सनल ने क्लू के लिए सर्च जारी कर दिया। हालांकि सर्च के दौरान शुरुआत में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद सब साफ हो गया और बाद में इसे डिसमेंटल करने का आदेश दे दिया गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।